केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं है। उनका परसों रात में 74 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लेकिन जब आदमी नहीं रहता है तो उसके बारे में कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी बातें होती हैं। आज हम रामविलास पासवान के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें करेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जिंदगी में जो किया उसका जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी है। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। खगड़िया भी मिथिला क्षेत्र का एक अंग है और उसी मिथिला में एक कहावत है कि सीता जन्म वियोगे के दुख छोड़ी सुख कहियो नाही भेद। मतलब कि सीता का जन्म ही एक वियोग है जिसने दुख छोड़कर सुख कभी नहीं भोगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको राम सीता की कहानी क्यों सुना रहा हूं। अरे भाई, मैं आपको स्वर्गीय पासवान जी की कहानी बता रहा हूँ। उनका और रामायण का एक गहरा संबंध भी है। रामविलास पासवान का नाम राम है और उनकी पत्नी का नाम भले ही सीता ना हो लेकिन राजकुमारी देवी जरूर है। और कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में रामविलास पासवान की शादी राजकुमारी देवी के साथ हो गई थी। दूल्हा अगर 14 साल का है तो जाहिर सी बात है कि राजकुमारी देवी भी मात्र 8 या 10 साल की रही होंगी। अब मुद्दे की बात है कि कल जैसे ही रामविलास पासवान के निधन की खबर है, वैसे ही सोशल मीडिया में रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी सुर्खियों में आ गई। उनका वीडियो वायरल हो गया। एक पति द्वारा त्यागे जाने के बाद भी एक सुहागन महिला विधवा होने पर किस तरह का मिलाप कर रही थी। गांव के लोग उन्हें चुप करा रहे थे, लेकिन जिसका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए लुट गया हो वो चुप कैसे रहे। बीबीसी के एक पत्रकार हैं सीतू तिवारी, वो कहती हैं कि शादी के बाद मैंने बहुतों को प्रेम करते देखा। कुछ लोग बहुत ग्रेस के साथ अपनी पत्नी को बताते हैं और प्रेमिका से रिश्ता बनाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन मनुष्य हैं हम और ये सब होता है। और जरूरी भी नहीं है कि जिससे शादी हो उससे प्रेम हो, मन मिले। प्रेम विवाह तक में ये संभावना है कि आपका मन एक वक्त के बाद नहीं मिले और सिर्फ बच्चों के लिए आप एक दूसरे के साथ रहते हो। लेकिन मुझे उनसे शिकायत है जो अपनी ब्याहता को यूं ही छोड़ देते हैं। वैसी ब्याहता जिसके लिए उसका पति ही दुनिया का अंतिम सत्य है। इस औरत का विलाप सुनकर मेरा दिल अंदर तक दहल गया। क्या इनको कभी अपने साथ पटना लेके आए थे रामविलास पासवान? इस औरत के क्या हक थे? ये बेचारी तो अपने घर के बाहर बैठे मांग में लाल सिंदूर लगाए उनका अंतहीन इंतजार करती रही। जाने अंतिम बार भी इनको अपने पति को देखने को मिलेगा। जिस तरह से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था, माँ बाप ने भी जाने क्या सोच कर नाम रख दिया था राजकुमारी देवी। किस्मत तो महारानी जैसे जीने को मिली नहीं, लेकिन राजा का सुख इनके हिस्से में ना आया। रामविलास पासवान आज पंचतत्व में विलीन हो गए, साथ ही उनके साथ उनकी अच्छी बुरी यादें भी। लेकिन क्या उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को उनका चेहरा देखकर लगता है कि रामविलास पासवान ऊपर से अपने आप को ये समझा पाएंगे या अपने आप को माफ कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ इंसाफ किया है? अब मेरा ये वीडियो देखकर कुछ लोग मुझे गालियां भी देंगे, तो गालियों को हम एडजस्ट करेंगे। और कुछ लोग हैं जो मेरी बातों से